आज हमने इसका चेसिस पूरा असेंबली खोल दिया, टायर अलग कर दिया और इंजन पार्ट को अलग कर दिया है। तो ये वाली जो आप चेसिस देख रहे हैं, ये वाली जो चेसिस है यहाँ से बीच में से बेंड होगी जो टैंक के नीचे से, और नीचे की साइड से भी ये बेंड हो चुका है जिसके कारण हमने इसको चेसिस को चेंज किया है। तो ये प्लेटिना 110 सीसी की बाइक है जिसके चक्कर में हमने ये पूरा पार्ट खोला है, जो एक्सीडेंट हो गया था इसलिए हमने पूरा पार्ट खोला है और इसका चेसिस पार्ट को हम चेंज करते हैं। तो ये पार्ट हमने नया मंगाया जो आप देख पा रहे हैं चेसिस, ये पूरा, तो ये नया डिब्बा ये रखा है पास में, ये मंगाया। प्लेटिना 110 सीसी की बाइक है, इसका चेसिस हमने मंगाया 9374 रुपये का चेसिस पड़ा है इसको हमें। खोल के हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का चेसिस ये आता निकलता है इसके अंदर और इसको कैसे फिट किया जाता है आपको पूरी वीडियो में हम बताएंगे। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहें और हाँ, आप सावधानी से चलाएँ ताकि ऐसी नौबत ना आए। हालांकि इसको अभी इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया है, सारा कुछ इंश्योरेंस कंपनी ही कस्टमर को पे करेगी, कस्टमर की जेब से नहीं जाएगा, मगर फिर भी आप अपने सेफ चलाएं, सिक्योर रहें ताकि ऐसी नौबत ना आए कि चेसिस बेंड हो जाए। और ये कंपनी से हमने ऑर्डर किया था, तो अभी ये नया फ्रेम जो आप देख पा रहे हैं इसको हम चेसिस कैसा निकलता है कैसा नहीं निकलता है, और ये आप देख पा रहे हैं पूरा ब्लैंक आता है यहाँ से। इस साइड में चेसिस नंबर होता है, यहाँ पर चेसिस नंबर नहीं मिलेगा आपको, पूरा ब्लैंक मिलेगा। पुराने वाले चेसिस नंबर जो आप देख पा रहे हैं इसमें चेसिस नंबर है, इस वाले चेसिस नंबर को हम उस वाले चेसिस में पंच करेंगे तो सेम चेसिस नंबर रहेगा। इसको पंच करते हैं, किस तरीके से पंच करते हैं वो आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो में। और हाँ, इसको चेसिस को पंच करने के लिए बाहर से कोई ऑथराइज मैकेनिक, बाहर से जो दुकान है वो पंच नहीं कर सकते इसको, इसको सिर्फ हम ही पंच कर सकते हैं इस बिट के द्वारा। तो ये बिट आती है हमारे पास, इसको पंच करने के लिए कंपनी हमें बजाज प्रोवाइड करती है जिसको हम इसमें पंच करेंगे। और ये नया चेसिस है और अभी हमने इसको ऑर्डर करके मंगाया था, जो कि इसमें पंच करेंगे हम। यहाँ पर चेसिस पूरा ब्लैंक आ रहा है और नया मंगाया था 28/7/2022 में, 27/7/2022 का ये हमने अभी ऑर्डर करके मंगाया था। तो कैसे पंच किया जाता है, हमने इसको बिछा दिया है, नीचे गत्ता लगा दिया ताकि इसके नीचे कोई स्क्रैच ना आ जाए। नया चेसिस है, कस्टमर बोलेगा कि वह नया चेसिस है इसमें स्क्रैच आ गया, तो इसलिए स्क्रैच ना आए तो हम चेंज इसको चेंज कर देंगे। तो ये वाला जो चेसिस नंबर है इस वाले चेसिस नंबर फिट करेंगे, तो इसके लिए हमें एक हैमर की जरूरत पड़ेगी और हैमर लगाएंगे और ये हम पंच करते हैं इसको प्रॉपर तरीके से। जो उसमें चेसिस नंबर है वही चेसिस नंबर इसमें डालेंगे। अब हमने इसके अंदर नया चेसिस नंबर लगा पंच कर दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये देखो। और इसका जो 78245 इस वाले चेसिस नंबर में और 78245 इस वाले चेसिस में पूरा सेम टू सेम, जो पहले वाली ओल्ड वाली चेसिस में था वो नई वाली में हम पंच कर दिया है। अब हम इसको पूरे बाइक को हम फिट करते हैं, तो क्या क्या कैसे कैसे फिट करते हैं बताते हैं आपको।
दोस्तों इस बाइक को आप चला के देखते हैं हम रोड पर, टेस्ट करके देखते हैं इसका बैलेंस है, हैंडल बैलेंस कोई इतना अच्छा तो नहीं चल रहा, एक साइड तो नहीं खींच रही गाड़ी, तो हम चला के इसको रोड पर टेस्ट करते हैं। दोस्तों अभी हमने बाइक को चला के देखा है, अभी इसके अंदर चेसी चेंज किया था तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से चल रही है, और हाथ छोड़ के चला के देखा सही चल रही है। तो वीडियो कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।